देवी दुर्गा ने दैत्यों के संग मर सके ऐसा दैत्य बीज अहंकार में चूर हो गया। नहीं तो स्वर्ग लोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर छुप जाए। क्या रक्त बीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है? हमें उससे युद्ध करना होगा। राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा और सभी देवता देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी भगवती, हमें रक्त बीज नामक राक्षस से मुक्ति केवल आप ही दिला सकती है, हमारी सहायता कीजिए माँ। आप सभी निश्चिंत रहिए, रक्त बीज नामक दैत्य का संहार अवश्य होगा, उसे उसके पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं को आश्वासन देकर माँ दुर्गा ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। तू एक साधारण अबला स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्त बीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगी? देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ दुर्गा की वार से रक्त बीज घायल होता तो रक्त की बूंद धरती पर गिरने से ढेरों रक्त बीज पैदा हो जाते। एक रक्त बीज मरता तो दूसरा सामने आ जाता। माँ दुर्गा उसके अंग काटती तो धरती पर रक्त की बूंदे गिरकर फिर से रक्त बीज सामने आ जाता। ये सब क्या हो रहा है? ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा? नारायण नारायण माते, रक्त बीज का वध करने के लिए रक्त बीज के रक्त को पीना होगा ताकि वो धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरते ही अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इसका संहार करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा ताकि रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। अच्छा, तो ये बात है। देवर्षि नारद, इसके लिए मुझे चंडिका को बुलाना होगा, देवी पार्वती को माँ काली का रूप धरना होगा ताकि वो इस दानव का रक्त पान कर सके। तत्पश्चात मैं इस राक्षस का संहार करूँगी। इसके लिए तो देवताओं को देवी पार्वती से विनती करनी होगी कि वो माँ काली का अवतार लेकर इस दानव का विनाश करें। सभी देवता माँ पार्वती का आह्वान करने लगे। देवी पार्वती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा ताकि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूं, आप इसका रक्त खप्पर में लेकर रक्त पान करो। आप चिंता मत करो देवी दुर्गा, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते माँ पार्वती ने काली का रूप धर लिया, जिन्हें देख दानव तो क्या देवता भी थर थर कांपने लगे और उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया, इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया, उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, सब दैत्य मारे जा चुके थे, केवल रक्त बीज का वध होना ही बाकी था। देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। हे काली के, रक्त बीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। आपको रक्त बीज के रक्त का रक्त पान करना होगा और ध्यान रहे कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा देवी दुर्गा। देवी दुर्गा और रक्त बीज में युद्ध होने लगता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रहार से बच रहा था। देवी दुर्गा ने रक्त बीज की भुजाओं पर वार किया। माँ काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काट कर धड़ से अलग कर दिया और खप्पर में रख दिया। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया। हे काली के, आपकी मुंड माला के लिए मैं रक्त बीज का ये मुंड आपको भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो। हे शिवा, हे काली के, रक्त बीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी काली। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। काली के को रोकने का एक ही उपाय है, भगवान शिव वही काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव, माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था। देवी काली क्रोध की अग्नि में बढ़ती जा रही थी, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अचानक भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं और देवी काली का पैर उनके ऊपर पड़ जाता है और भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोध में आपकी ओर देखा नहीं,
उसके पश्चात सभी देवी देवता भगवान शंकर और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करते हैं।